टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति, आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। आग के गोले में तब्दील हुई हाईवे पर चलती कार, कार में बैठे दो लोग बाल बाल बचे। 3.5 फीट की छिपकली के घर में घुसने से मचा हड़कंप, वन्य जीव प्रेमी गहलोत ने किया रेस्क्यू। और सफेद पाउडर की आड़ में छुपाकर ले जाई जा रही अवैध शराब बरामद, अवैध शराब के साथ ट्रेलर भी जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। उदयपुर के खेरवाड़ा कस्बे में नेशनल हाईवे पर चलती गाड़ी में आग लगने से पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। घटना खेरवाड़ा कस्बे के रानी रोड पर हुई है। इको गाड़ी में लगी आग के दौरान गाड़ी में बैठे ड्राइवर सहित दो लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है इको गाड़ी के CNG किट में आग लगने से ये गाड़ी जलकर राख हो गई। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर खेरवाड़ा के पास देर रात एक कार में अचानक आग लग गई। इस दौरान कार में सवार दो जनों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। खेरवाड़ा कस्बे के NH 48 स्थित रानी मोड पर बुधवार रात करीब 11:30 बजे अहमदाबाद से अजमेर जा रही इस कार में अचानक आग लग गई। कार में आग फैलने लगी। इस बीच कार में सवार दो जने सुरक्षित बाहर निकले और देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। खेरवाड़ा में फायर ब्रिगेड की सुविधा नहीं होने से करीब 25 किलोमीटर दूर डूंगरपुर से 1 घंटे में फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंची। तब तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। खेरवाड़ा थाने में इस बारे में कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है। ओ गॉड स्नेहा, सो डर्टी। मैं तो अपने आप को साफ रखना पसंद करती हूँ। टॉयलेट कौन साफ करेगा, तेरी माँ? वाइटिक्स टॉयलेट क्लीनर, रखे टॉयलेट को हमेशा क्लीन एंड फ्रेश। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। एक घर में घुसाई 3.5 फीट लंबी मॉनिटर लिजार्ड को देखने के बाद लोगों के होश उड़ गए। 3.5 फीट लंबी छिपकली घर में होने की सूचना के बाद मोहल्ले के काफी लोग भी एकत्रित हो गए। इसके बाद योगेश व्यास ने इसकी सूचना पीपरराम में रहने वाले वन्य जीव प्रेमी नवीन गहलोत को दी। मौके पर पहुंच नवीन गहलोत ने इस छिपकली को रेस्क्यू किया। 3.5 फीट लंबी छिपकली एक घर में होने की सूचना पर नवीन गहलोत अपनी टीम विकास खांडेला, अनिल गहलोत, यशवंत गहलोत, राजेश सालवी के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू किया। लगभग आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस मॉनिटर लिजार्ड का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। 3.5 फीट की छिपकली मॉनिटर लिजार्ड को पकड़ने के बाद गहलोत ने बताया कि ये जहरीली नहीं होती हैं। इस तरह की छिपकली या अन्य जानवर दिखाई दे तो उसे मारे नहीं, बल्कि इसकी सूचना वन विभाग या रेस्क्यू टीम को दे ताकि इन्हें रेस्क्यू कर जंगलों में सुरक्षित रूप से पुनः छोड़ा जा सके। गहलोत ने आग्रह किया कि कोई भी वन्य जीव जैसे सांप, गोयरा, अजगर, बिज्जू दिखे तो उसे मारे नहीं, ना ही उसे पकड़ने की कोशिश करें। गहलोत ने लिजार्ड का रेस्क्यू कर वन विभाग के रेंजर बलराम को सूचित किया। इसके बाद उसे पुनः जंगल में छोड़ दिया गया। उदयपुर पुलिस ने एक ट्रेलर में सफेद पाउडर के कट्टों की आड़ में छुपाकर ले जाई जा रही अवैध शराब बरामद की है। यह अवैध अंग्रेजी शराब गुजरात ले जाई जा रही थी। पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब के 185 कार्टून के साथ अवैध शराब का परिवहन कर रहा ट्रेलर भी जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। उदयपुर पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल द्वारा अवैध शराब परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और वृत्ताधिकारी गिरवा गजेंद्र सिंह राव के सुपरविजन में टीरी थानाधिकारी और जिला स्पेशल टीम ने 19 जून को उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रेलर को रोककर चालक से पूछताछ की। संदिग्ध लगने पर ट्रेलर की तलाशी ली गई तो सफेद पाउडर के कट्टों की आड़ में अवैध अंग्रेजी शराब भरी हुई मिली। पुलिस ने अवैध शराब जब्त की और ट्रेलर को जब्त करते हुए ट्रेलर चालक सोहनलाल पिता पेमाजी को भी गिरफ्तार किया। वाइब्स खुशी की, वाइब्स जशन की, वाइब्स है रोशनी की, अपने टशन की, त्योहारों की, परिवारों की।
उदयपुर जिले की ऋषभदेव थाना पुलिस ने एक किशोर की चाकू से गोदकर हत्या करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 5 जून को रणजीत बरांडा नामक किशोर पर तीनों ने चाकुओं से हमला किया था, उस वक्त जब वो सब्जी लेकर घर लौट रहा था। गंभीर घायल रणजीत की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इन 3 लोगों को एक किशोर पर चाकुओं से हमला कर मौत के घाट उतार देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। खानिया लिम्बड़ी कारछा कला खेरवाड़ा के रहने वाले अशोक पिता शांतिलाल, कारछा निचला फला खेरवाड़ा निवासी रवि कुमार पिता कांतिलाल और बंजारिया बिचला फला खेरवाड़ा निवासी पिंटू उर्फ रोहित पिता रामलाल को पुलिस ने रणजीत लाल बरांडा नामक किशोर पर हमला कर उसकी जान लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मृतक के पिता के अनुसार ये तीनों आरोपी ऋषभदेव स्थित पगलियाजी पार्क के पास एक बाइक पर सवार होकर आए और इन्होंने रणजीत लाल पर पीछे से वार करते हुए उसे गंभीर घायल कर दिया। आरोपियों ने रणजीत के सिर और कंधे पर चाकू से वार किए और मौके से फरार हो गए थे। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने तफ्तीश करते हुए तीनों को गिरफ्तार किया है। मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल एन इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल होमली एनवायरमेंट Individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Gen Society grants 50% scholarship for Gen students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत को सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी गुजरात में मजदूरी करता है। एक यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में इसने लिखा था, तुम्हारा रगड़ा निकाल दिया जाएगा। धमकी भरे कमेंट पोस्ट होने के बाद एक्शन में आई उदयपुर पुलिस ने एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत को हत्या की धमकी देने वाले दूसरे आरोपी को उदयपुर पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया है। गोवर्धन बिलास थाने के SI अर्जुन लाल ने बताया कि धमकी देने के मामले में सड़ा मानपुर फला सलुम्बर निवासी खानूलाल उर्फ खानूराम पुत्र नर्दा मीणा को गुजरात के भावनगर से पकड़ा है। आरोपी वहां एक फैक्ट्री में मजदूरी करता है। YouTube पर 12 जून को धरियावत के रहने वाले BSc छात्र कुंती ने धमकी भरा कमेंट किया था। इसे देखकर आरोपी खानूराम ने भी जोश जोश में धमकी भरा कमेंट कर दिया था। पुलिस ने खानूलाल को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे 2 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। मारे आंगने की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगने की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घड़ी आएगी, मारे आंगने की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। उदयपुर के देबारी स्थित बेड़वास मेगा आवास योजना के तहत बनाए गए मकानों में रह रहे लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले 6 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं की गई है, लोगों को पीने का पानी खरीद कर लाना पड़ रहा है। इस संबंध में अधिकारियों द्वारा भी तकासा जवाब देने के बाद गुस्साए क्षेत्रवासियों ने रोड पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया और लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों को बर्खास्त करने की मांग की। उदयपुर के देबारी क्षेत्र में राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी आवासीय योजना मेगा आवास योजना में रहने वाले लोग पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि एक हफ्ते में इस कॉलोनी में पानी की सप्लाई नहीं की गई है और तो और जिम्मेदार अधिकारी टंकी में पानी होने के बावजूद उन्हें पानी सप्लाई के लिए रोज टरका रहे हैं। समस्या से गुस्साए क्षेत्रवासियों ने टायर जलाकर प्रदर्शन करते हुए जलदाय विभाग और इसके जिम्मेदारों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जताया। सुनिए क्या कहना है स्थानीय लोगों का। अच्छा भैया, यहाँ से जब से ये अपने सरकार ने बनवाया है मेगा आवास योजना, तब से निरंतर यहाँ पानी की समस्या चल रही है और अभी भी पिछले 6 दिनों से लोगों के पास घरों में पानी नहीं है।
पीने के लिए, ना नहाने के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। इसके अलावा खरीद खरीद करके लोग बेचारे जो है पानी पीने वाला उपलब्ध कर रहे हैं, लेकिन अब नहाने की, बर्तन धोने की 6-6 दिन से पानी नहीं है यहाँ पर। और टंकी में पानी होते हुए भी सरकार का ये रवैया है, अभी हमने जो है बात भी की, लेकिन उसका क्या बोला, कल मिलेगा पानी। अगर उसी अधिकारी के घर में पानी नहीं हो तो उसका क्या होगा, उसके घर में बीवी बच्चे रहते हैं, और इन लोगों के भी जितने लोग महिलाएं खड़ी है बेचारी, इनके घरों में 6 दिन से पानी नहीं है। और ये किल्लत आज से नहीं, फूल सिंह मीणा जी भी आए, बहुत कुछ यहाँ नेता नगरी भी हुई, लेकिन 4 साल से राजस्थान सरकार ने मेगा आवास योजना को, राजस्थान सरकार के विधानसभा में सबसे बड़ी योजना है ये राजस्थान की, उसके साथ इन्होंने ये व्यवहार करके रोडों की देख लीजिए आप, पानी की प्रथम समस्या है, रोडों को भी छोड़ दो लेकिन पानी नहीं है पीने के लिए यहाँ, बिल्कुल बहुत बड़ी किल्लत है। टंकी में पानी है, टंकी भरी हुई है लेकिन पानी नहीं दिया जा रहा है। किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? हाँ बिल्कुल, पालीवाल जी से बात हुई अपनी, उन्होंने बोला कि आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा 8 बजे पानी, और फोन काट दिया। कितने दिन से पानी नहीं आ रहा अभी? पानी मेरे यहाँ पर 6 दिन से पानी, 6-6 दिन में टर्न था, आज चलाएंगे 6 दिन के बाद, दूसरे ई वालों को 6 दिन बाद देंगे, एम वालों को 6 दिन बाद देंगे, एल वालों को 6 दिन बाद देंगे, 6 दिन आज मेरे पूरे हो रहे हैं मेरे ब्लॉक के अंदर, एल के अंदर, लेकिन आज क्या जवाब मिल रहा है, आज भी नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, ये हालत है। मीरा नगर में जो पंप हाउस बना रखा है 2020 के अंदर 2,76,00,000 रुपए के अंदर मेगावाट में पानी की सप्लाई देने के लिए बनाया गया है, वहाँ पर 6 ट्यूबवेल खोदे गए हैं, जबकि वहाँ पे 2 ट्यूबवेल से सप्लाई दी जा रही है, और वहाँ पर जो बंदा रख रखा है वो रात को 10 बजे आता है, ड्रिंक करके आता है और एक टैंक भरता है और सप्लाई करके चला जाता है, सुबह वापस उसकी दूसरी जगह नौकरी है वहाँ करने के लिए, ऐसा कंटिन्यू चल रहा है। अगर मेगावाट के अंदर पानी देना हो तो वहाँ पे सुबह से लगा के शाम तक अगर कंटिन्यू 2 ट्यूबवेल चले ना तो 3 घंटे के अंदर वहाँ स्टोरेज टैंक भरता है, तो 8 स्टोरेज टैंक यहाँ खाली हो सकते हैं, तो 1 दिन के अंदर छोड़ के हमारे को पानी की सप्लाई हो सकती है, लेकिन वहाँ का प्रशासन और वहाँ के जो कर्मचारी है वो बिल्कुल निठल्ले हैं, किसी तरह की सुनते नहीं है, बस जब यहाँ आ जाएगा पानी आ जाएगा। आज एन मैडम से बात हुई, यामिनी मैडम से, उन्होंने मेरे को बोला था कि भाई हम शाम तक पानी दे देंगे, यहाँ पर स्टोरेज टैंक दोनों भरे हुए पड़े, फुल भरे हुए पड़े हैं, जबकि स्टोरेज टैंक से पानी उन्होंने ऊपर टंकी में नहीं भराया। और जब मैंने ये बात ग्रुप में रखी तो यहाँ के कर्मचारी मेरे को धमकी दे रहे हैं कि आप चाबी ले जाओ और आप ही चालू कर दो, अभी चलाओ पानी पूरा। तो मैडम से मैं पूछता हूँ, ऐसे कर्मचारियों को जल्दी जल्दी बर्खास्त करें, इसकी जगह नए कर्मचारी रखें ताकि हमारे पानी की समस्या सॉल्व हो जाए और पानी की सुचारू रूप से चलता रहे। क्षेत्रवासियों ने बकायदा टंकी में भरा हुआ पानी दिखाते हुए आरोप लगाया कि पानी होते हुए भी जलदाय विभाग के लोग पानी की सप्लाई नहीं कर रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने पानी से भरी टंकियां दिखाते हुए कहा कि जानबूझकर समस्या खड़ी की जा रही है, टंकियां भरी होने के बावजूद 6 दिन से लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। अगर एक्शन नहीं ले रहे तो हम कलेक्टर के पास जाएंगे, वहाँ धरना देंगे और वहीं पे रहेंगे, उन्हीं को पानी का सब करना पड़ेगा, नहीं तो हम खाली करके यहाँ से जा रहे हैं। पानी हम खाली कर सकते हैं, हमारे बहुत पैसा पड़ा है इनके पास, हम उनको पानी का ढोलने का जाते हैं, हम लोग खाली करके जा रहे हैं, छोड़ो तो साफ से खाली करके जाएं, पानी वगैरह क्या कर सकते हैं, इतना परेशान कर रखा हमको, इतना कौन परेशान करता है, आप मेरे दिन को पानी नहीं देते, आज दिन को पानी नहीं देते, चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। आग के गोले में तब्दील हुई हाईवे पर चलती कार, कार में बैठे 2 लोग बाल बाल बचे। 3.5 फीट की छिपकली के घर में घुसने से मचा हड़कंप, वन्य जीव प्रेमी गहलोत ने किया रेस्क्यू। और सफेद पाउडर की आड़ में छुपाकर ले जाई जा रही अवैध शराब बरामद, अवैध शराब के साथ ट्रेलर भी जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत ज्योति को, आप बने रहिए News 91 राजस्थान के साथ, नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स PT कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। ये है Channel 91+ नेटवर्क और आप देख रहे हैं News 91।
न्यूज 91 आवाज हम सबकी।